अभी पूरा पूरी गाड़ी तो चलाई नहीं जा रही, लेकिन लॉन्ग रूट तकरीबन सभी चलाए जा रहे हैं। हम लगभग 8-9 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और काफी दिनों से हम कॉलेज भी नहीं गए हैं, तो आज बस सर्विस स्टार्ट होने से हम आज कॉलेज भी जा पा रहे हैं। सर अभी तो आज यही बस दिखाई दी है, और तो बस दिखाई नहीं दी है, बाकी लोगों को पता चलेगा तो आएंगे और शुरू हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। हाँ जी, हमने सवारियों के लिए यहाँ से सुविधा गुड़गांव के लिए, जयपुर के लिए, अलवर के लिए, चंडीगढ़ के लिए सुविधा उपलब्ध कराई। तो कल भी ट्रायल बेसिस पर शुरू करी थी, तो क्या आज क्या सारा दिन चलेंगी या फिर कुछ? कल भी ट्रायल शुरू करी थी गाड़ियाँ, जैसे कि अब सामान्य वातावरण होता जा रहा है, इसलिए आज भी चलाई जा रही है। तो आज का ट्रायल बेसिस पे है या रूटीन की गाड़ी? ना, रूटीन की गाड़ी है सर, जैसे कल चलाई थी उसी रूटीन चला रहे। जैसे कल चलाई थी वैसे? हाँ, उसी रूटीन चला रहे। मतलब सारी गाड़ियां नहीं चला रही अभी? अभी पूरा पूरी गाड़ी तो चलाई नहीं जा रही, लेकिन लॉन्ग रूट तकरीबन सभी चलाए जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या सवारियां कम आ रही हैं? सवारियां तो कम ही हैं, उन्हीं के हिसाब से गाड़ी चलाई जा रही है। बस सर्विस कितनी आपको मिली है? सर आज कुछ ज्यादा राहत है, अच्छा लगा सर। कोई ना सर, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दिल्ली कॉलेज जा रहा हूँ। दिल्ली अप डाउन करते हैं? नहीं सर, दिल्ली अप डाउन वहीं रहते। तो काफी दिन से बंद थी, तो नहीं कॉलेज नहीं जा पा रहे थे सर, दिक्कत हो रही थी सर। अच्छा, तो छुट्टी करके बैठे हुए थे या फिर किसी और साधन से जा रहे थे? नहीं सर, साधन से भी सर वहाँ आया हुआ था सर मैं घर, तो इस वजह से कॉलेज नहीं जा पाए सर। तो अब राहत है? हाँ जी सर। किस प्रकार का डर का माहौल तो नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल राहत मिली है। हम लगभग 8-9 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं और काफी दिनों से हम कॉलेज भी नहीं गए हैं, तो आज बस सर्विस स्टार्ट होने से हम आज कॉलेज भी जा पा रहे हैं। तो हम सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि दोबारा यहाँ पे सब कुछ बहाल हो और स्थिति पहले जैसी हो। बस हम सरकार का दोबारा धन्यवाद करते हैं कि खट्टर सरकार ने काफी यहाँ पे मदद की है लोगों के साथ, और बस सर्विस ही है, इसके भी धन्यवाद। तो क्या डेली अप डाउन करते हैं? जी डेली अप डाउन करते हैं हम गुड़गांव से, गुड़गांव नू से। तो क्या नहीं जा पा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, आज लगभग 9 दिन बाद हम जा रहे हैं कॉलेज अपने। जा रहे हैं किसी प्रकार का डर का माहौल तो नहीं? जी अब नहीं है बिल्कुल भी, अब चारों तरफ पुलिस है तो काफी सिक्योर महसूस कर रहे हैं, तो अब सब ठीक है यहाँ पे। लेकिन बस में भीड़ काफी कम नजर आ रही है? जी अभी तो अभी लोगों को पता नहीं है, अभी आपके माध्यम से लोगों को पता पड़ेगा कि बस सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, तो काफी लोग फिर आएंगे भी, फिर पहले जैसा माहौल हो जाएगा। सर अभी तो आज यही बस दिखाई दी है, और तो बस दिखाई नहीं दी है, बाकी लोगों को पता चलेगा तो आएंगे और शुरू हो जाएगा सब कुछ पहले जैसा। तो क्या रोडवेज में आप मतलब डेली सफर करते हैं? नहीं, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, जॉब करता हूँ फरीदाबाद में, वहीं रहता हूँ। वहीं रहते हो? तो क्या आ नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे? नहीं, मैं परसों ही आया था अपने व्हीकल से फरीदाबाद से, वहीं रह रहा था, तो आज ही जा रहा हूँ मैं, तो आज मिल गई बस। बाकी सुबह से नहीं मिली थी, तो काफ़ी परेशानी हुई है सुबह से।